अमित शाह के मणिपुर दौरे का असर दिखने लगा है। बता दें कि हिंसक की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया है। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स विभाग के विशेष सचिव ने आदेश जारी कर कहा कि राजीव सिंह तत्काल प्रभाव से मणिपुर के नए डीजीपी होंगे। राजीव सिंह पी डोंगेल की जगह लेंगे, जिन्हें राज्य सरकार ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ये यानी कि गृह तैनात किया है। पी डोंगेल के लिए ये नया पद सृजित किया गया है। राजीव सिंह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात रह चुके हैं। गृह मंत्रालय ने राजीव सिंह को त्रिपुरा कैडर से 3 साल के डेपुटेशन पर मणिपुर कैडर में ट्रांसफर किया है। गृह मंत्रालय ने जनहित में विशेष मामले के तहत पॉलिसी में राहत देते हुए राजीव सिंह की तैनाती की है। बता दें कि अमित शाह के मणिपुर दौरे के बीच में ये आदेश आया है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़काने के तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के पूर्व मुखिया कुलदीप सिंह को मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया था। मणिपुर में बीते करीब 1 महीने से जाति हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में जारी हिंसक घटनाओं में अभी तक 80 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। खबर के अनुसार पुलिस और उग्रवादियों के बीच बुधवार रात को तांगजेंग इलाके में खुम्बी पुलिस स्टेशन में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुकी उग्रवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। घायलों को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इम्फाल पूर्व के चानुंग इलाके में भी भारी गोलीबारी की खबर है। हालांकि वहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।